कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने जबलपुर दौरे के दौरान मध्य प्रदेश की जनता से 5 बड़े वादे किए हैं। इसी के साथ उन्होंने चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को संस्कारधानी जबलपुर पहुंची। यहां उन्होंने प्रदेश की जनता से 5 बड़े वादे करते हुए चुनावी शंखनाद कर दिया है। गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा है। चलिए अब आपको बताते हैं प्रियंका गांधी ने कौन से 5 बड़े वादे किए हैं। पहला वादा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि अगर इस चुनाव में कांग्रेस जीत कर सत्ता में आती है तो प्रदेश में 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। दूसरा वादा, 1500 रुपए हर महीने। उन्होंने प्रदेश की जनता से वादा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर नारी सम्मान योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि हाल ही में एमपी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एमपी की महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना लॉन्च की है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तीसरा वादा, फ्री बिजली का किया गया है। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश के लोगों को 100 यूनिट फ्री बिजली की सप्लाई कराई जाएगी, जबकि 200 यूनिट तक बिल आने पर बिल हाफ कर दिया जाएगा। चौथा वादा, किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जी हां, उन्होंने राज्य के किसानों के लिए 2018 की तरह ही इस साल भी कर्जा माफ करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और आखिरी वादा उन्होंने पुरानी पेंशन योजना के तहत किया। प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में महाकौशल की धरती से राहुल गांधी की सभा के बाद मिली कामयाबी को देखते हुए कांग्रेस ने इस बार भी इसी धरती को श्री गणेश करने के लिए चुना है। साल 2018 में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाकौशल से चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी, जिसके बाद 2018 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। महाकौशल क्षेत्र में विधानसभा की 38 सीटें हैं। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।